हे हाउस अगेन एवरीवन, माय नेम इज माडीप और आज के दिन गाइस माइनक्राफ्ट के अंदर हमारी बैंड बजने वाली है क्योंकि आज माइनक्राफ्ट के सारे लॉस को हम लोग ब्रेक करने वाले गाइस। एंड ये वाला वर्ल्ड गाइस जो तुम लोगों को दिखने में एकदम नॉर्मल लग रहा है, ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। क्यों? क्योंकि गाइस आज इस वर्ल्ड के अंदर हम लोगों को एंडर ड्रैगन को बीट तो करना ही करना है, बट आज कोई भी सामान जो भी हम लोग इस वर्ल्ड में निकालना चाहते हैं वो इजीली हम लोगों को नहीं मिलने वाला है। फॉर एग्जांपल गाइस, अगर मैं अपने नॉर्मल माइनक्राफ्ट वर्ल्ड के अंदर एक डर्ट के ब्लॉक को तोड़ने के लिए जाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा गाइस? ऑफ कोर्स एक डर्ट का ब्लॉक मिलेगा, लेकिन गाइस यहां पर हमें क्या मिलेगा? डू यू वांट टू सी? टैटन! एक अलग सा क्या मिला भाई? ये ब्लॉक ऑफ ट्रिप्ड बैम्बू। ब्रो मुझे बैम्बू के प्लैंक्स मिले लिटरली। तो गाइस ये है हमारा ऐसा वर्ल्ड जहां पर सब कुछ आज रैंडम होने वाला है। लेकिन तुम लोग ये वाली वीडियो देखो पहले। ये वाली वीडियो मैंने आज से 3 साल पहले बनाई थी, ठीक है ना? ये जो कंसेप्ट और आज वाला कंसेप्ट एकदम अलग है। क्यों? दोनों में हम लोगों को रैंडम चीजें तो मिलती है, लेकिन गाइस जो मेन बात है वो ये नहीं है। मेन बात है गाइस यहाँ पर कि आज हम लोगों को कुछ कस्टम ओपी आइटम्स भी मिलने वाले, कुछ स्ट्रक्चर्स मिलने वाले, कुछ ऐसे आइटम्स मिलने वाले हैं जिनको देखकर तुम्हारा दिमाग फट जाने वाला है भाई। आई नो कि तुम लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गाइस, तो लाइक मारो भाई इस वीडियो पे, लाइक मारो, 1 लाख लाइक्स मारो। नहीं मारोगे? मैं वेट कर रहा हूं, मारो लाइक। मार दिया लाइक, टाइम देख रहा था पहले मैं। ये हुई ना बात गाइस। चलो गाइस अब हम लोगों को बाय द वे एंडर ड्रैगन को बीट करना बहुत मुश्किल होने वाले गाइस, क्योंकि हम लोगों को लकड़ी चाहिए। ओह माय गॉड, ब्लॉक ऑफ एमरल्ड ब्रो, इतना अमीर जिंदगी में पहली बार किसी माइनक्राफ्ट वर्ल्ड के अंदर आते हैं, इतना ज्यादा अमीर पहली बार फील हुआ है मुझे, टू बी ऑनेस्ट गाइस। एंड गाइस जो सबसे ज्यादा मेन बात है वो ये है कि हम लोगों को जब इन ब्लॉक्स को तोड़ना है तो गाइस हम लोगों को यहाँ पे जब अपने लिए बेसिक पिकैक्स, बेसिक टूल्स बनाने ना गाइस, वो बनाने बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाली, क्योंकि सारे के सारे जो आइटम्स है ना ये कुछ ज्यादा ही रैंडम है यार। अब मुझे पता कैसे चलेगा मुझे वुड कैसे मिलेगी? आई हैव नो आइडिया। एंड बाय द वे अगर तुम लोगों को लग रहा होगा एक टाइप की चीज को खोद के एक ही चीज मिलती है, तो ऐसा नहीं है। पहले मैंने आप ओके उसको तोड़ा, ये रखो मुंह के सामने, क्या मिला? जब मैं इसको दोबारा से तोड़ूंगा तो मुझे कुछ और ही मिलेगा। तो ये जो पैटर्न है ना हर बार चेंज होने वाला है। पिछली बार ऐसा कुछ नहीं था भाई। पिछली बार अगर मेरे को ओक का लॉग मान के चलो स्टिक दे रहा है तो हर बार स्टिक ही देगा, तो मुझे याद रखना पड़ता रहा बस। बट इस बार सब कुछ रैंडम होने वाला है कैसे होगा भाई यहाँ पे? एंड आई थिंक गाइस अगर मैं यहाँ पे ट्री के लीव्स को तोड़ूंगा तब भी शायद से सामान हमें मिलेगा। ओ मिल गया ना भाई, एक डीप स्लेट के स्टेयर मिले, छी भाई छी। ओके मैं तो गाइस बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ यहाँ पे रैंडम कस्टम आइटम्स के लिए, वो मुझे कब मिलेगी? ओके फटाफट एक काम करते हैं, यहाँ पर बहुत सारा सामान तोड़ते हैं, जब तक मुझे फालतू की चीजें मिलती रहेगी ना तब तक तो मेरा दिमाग घूमता रहेगा गाइस, टू बी ऑनेस्ट, है ना? काश मेरे पास यहाँ पे वुड वगैरह मिल जाए जिससे मैं टूल्स वगैरह बना सकूं, तो भाई मेरी जान में जान आ जाएगी। डायमंड मिले मेरे को, वो भी नौ डायमंड्स। ओ माय गॉड, दिस इज गुड यार, दिस इज गुड। मेरे पास एक आइडिया है ना भाई, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे बहुत सारी ये तोड़ता है ना, ये बहुत ज्यादा इजीली टूटता है, एंड यहाँ से लाइक इस डर्ट से मुझे आई थिंक कुछ बढ़िया सी चीज मिल जाएगी। तो ये क्या? व्हाट? ये व्हाइट कैंडल, चेरी डोर। भाई साहब माइनक्राफ्ट के अंदर क्या क्या आ गया? बाय द वे मैं 1.20.4 पे खेल रहा हूँ, दैट्स व्हाई आई हैव नो आइडिया भाई ये क्या है ये सब यहाँ पे। कसम से जब से हिमलैंड्स खेलना स्टार्ट किया गाइस माइनक्राफ्ट को भाई अपडेट करना ही भूल गया। स्मैश लाइक इफ यू गाइस वांट स्मार्टीफाई टू अपग्रेड हिज माइनक्राफ्ट वर्ल्ड। ओह यस, लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। नेदरराइट की एक्स मिली मेरे को, माय गॉड दिस इज गुड एक्चुअली। ओके मैं इसकी हेल्प से यहाँ पर बहुत फास्ट वर्क खोदूंगा, मुझे खाने का सामान भी मिल गया फाइनली, लेट्स गो। और मैं इसको कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, चलो मैं काम करता गाइस, इसको नीचे लगाकर इससे मैं खाने का सामान निकाल देता। नो नो भाई, आई थॉट कि मेलन्स ड्रॉप करेगा, नहीं, मेरी किस्मत ही खराब है गाइस, मेरी किस्मत खराब है यार, कैंडल दे दी भाई इसने मेरे को, छी है भाई छी है। ओके अभी गाइस मैं अपनी बक बक बंद करने वाला हूँ, जब तक मुझे कोई रैंडम सामान नहीं मिलता लाइक कस्टम सामान तब तक मैं बकवास बंद करने वाला हूँ। व्हाट द हेल वाज कुछ भी? ओह गाइस ये वाली पिकेक्स तुम लोगों को छोटी नहीं लग रही? रुको ये देखो ना, नॉर्मल एक्स कितनी बड़ी है और ये पिकेक्स तुम लोगों को छोटी नहीं लग रही है? मे बी ये हमारी कोई एक ओ माय गॉड ये कितनी क्यूट है तू ऐसे। ओके ओके गाइस ये हमारे को रैंडम कस्टम आइटम है, टाइनी डायमंड पिकेक्स माइंस मल्टीपल चंक्स, मतलब क्या करेगा ये? ओ मुझे कोई भी
डैमेज नहीं, ओके थैंक यू गॉड मुझे कोई भी डैमेज नहीं पड़ा, थॉट कि मैं गया यार। ओके आई थिंक गाइस इस वर्ल्ड के अंदर हम इतने ज्यादा ओपी है कि हम लोगों का फॉल डैमेज भी नहीं पड़ेगा। ओके मैं यहाँ पे इसको तोड़ूंगा, नहीं मैंने सोचा ही नहीं इस बारे में कि भाई ओ माय गॉड ये इतनी छोटू जैसी पिक है कितना ज्यादा चंक्स को माइन करे। जिस डायरेक्शन में देखूंगा उधर के लिए मल्टीपल चंक्स हमारे ये खोद देने वाले गाइस, मुझे ना बाहर निकलना पड़ेगा ब्रो। माय गॉड पूरा का पूरा चंक ऊपर से लेके नीचे तक गायब कर दे छोटी ऐसी पिकैक्स ने भाई, ये किसी काम की नहीं। बाय द वे सच बताऊं तो मैं तुम लोगों को, मुझे ना सारे के सारे सामान फेंकना पड़ेगा नीचे बिकॉज ये मेरे किसी काम का नहीं है। और अब मैं फंस गया हूं गाइस क्योंकि मुझे ऊपर जाना है, मैं बाहर कैसे निकलूंगा यहां से हैं? मुझे बताओ यार तुम लोग एक बात है। चलो गाइस एक काम करता हूं मैं, फिलहाल के लिए मेरे पास जो थोड़े बहुत ये ब्लॉक्स वगैरह यहां पर पड़े हुए हैं ना भाई, इनको लगा लगा के, अरे भाई ऊपर लगा दे गलती से, इनको लगा लगा के गाइस आई थिंक मेरे को ना साइड की तरफ चलना चाहिए बिकॉज आई हैव टू लीव दिस प्लेस ब्रो। तो वहां पर मुझे पानी दिख रहा है तो मैं इस पानी के पास जाना चाहूंगा एक बार। चलो ये यहाँ पे लगाया, ये यहाँ पे लगाया, इसके अलावा मेरे सिर्फ और सिर्फ दो ही ब्लॉक्स पड़े हुए यार भाई, किस्मत ही खराब है कसम। चलो यहाँ से मैं आराम से यहाँ पहुंचाऊंगा, मुझे बस आयरन चाहिए किसी भी हालत में। और यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है ब्रो, ओह माय गॉड आई एम स्टक हियर ब्रो, आई एम स्टक हियर, मैं यहाँ पर क्या ही करूंगा मुझे बताओ जरा एक बारी। ऊपर एटलीस्ट डर्ट के ब्लॉक तो जो मैं हाथ से तोड़ सकता हूँ, यहाँ पर मैं पत्थर तोड़ूंगा क्या हाथ से भाई, क्या देगा, कुछ देगा मेरे को ये? कुछ नहीं देगा। लेट्स गो। One eternity later. Oh my God, कितनी ज्यादा मुश्किलों से मैं यहाँ से बाहर निकला हूँ। To be honest, guys, ये छुटकू सी पिकैक्स का ना मैं बिल्कुल अभी इस्तेमाल करने ही नहीं वाला हूँ। ठीक है ना भाई, मेरा दिमाग खराब हो रहा है क्योंकि इसके लिए कुछ और बढ़िया सी कस्टम चीज मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा यार। What is this? Oh, ये जो आवाज कर रहा है इसी लेकर मैं डर गया था अभी। ये जो आवाज यहाँ पर आई है ना गाइस, ये आई इसीलिए है क्योंकि कोई ना कोई रैंडम कस्टम चीज निकलती। ब्रो लुक एट द साइज ऑफ दिस थिंग ब्रो, ओह माय गॉड व्हाट, ये क्या चीज है यार, ओह माय गॉड। ओके डूड्स अभी तुम्हारा भाई, ओह माय गॉड मेरे को तो भाई एरोस की जरूरत भी नहीं है, डायरेक्ट मैं इसको क्यों मारूंगा। और अगर मैंने इसको गलती से नीचे के लिए मारा तो क्या होगा, नीचे के लिए पूरा का पूरा छेद करके चल जाएगा। ओके ये वाली जो गाइस हमारी वो है ना, ये बहुत ही ज्यादा ओपी है इसका मतलब। चलो फिलहाल के लिए काम करते हैं, इस जगह से बाहर निकलते हैं ब्रो, इस जगह से बाहर निकलते हैं। एंड यहाँ पर मुझे क्या क्या चीजें मिल रही है, आई जस्ट वॉन्ट टू सी। Oh yeah, boys and girls, God apple मिला मेरे को। ओके ये वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स है जो अभी तक मुझे मिली है, इसका इस्तेमाल तुम्हारा भाई बाद में करेगा ठीक है ना, गोल्डन एन्चांटेड एप्पल का काम। और मुझे एक चीज अभी देखनी थी, जैसे बटन है मेरे को मिला ठीक है ना, अब मैं इस बटन को नीचे लगाऊंगा, इसमें इसको तोड़ूंगा तो क्या मुझे कुछ और, ओ अब मैं अगर इसको मैं नीचे लगा ही नहीं सकता, पानी के साइड में लगा चलने के लिए, यहाँ से इसको नीचे लगा के तोड़ूंगा कुछ और मिलेगा। लेट्स गो भाई, बाकी कुछ बने ना बने मैं एक चीज है जो मैं गारंटीड नहीं बना सकता जिंदगी में इस गेम के अंदर, जो कि है अपना क्या बोलते हैं एक क्राफ्टिंग टेबल और अपनी नॉर्मल लकड़ियों की पिकैक्स वगैरह, क्योंकि भाई इट्स इम्पॉसिबल भाई, लकड़ियाँ कैसे मिलेगी आई डोंट नो मैन। और अगर एक बार मिल गई तो दूसरी बार मिलेगी लकड़ी की नहीं मिलेगी आई डोंट नो। ओ माय गॉड मुझे यहाँ पे क्रिस्टल मिला है ब्रो, ओके ये भी सही चीज है यार। और मुझे कुछ डायमंड्स वगैरह भी मिले, दिस इज गुड एक्चुअली। चलो गाइस एक एटलीस्ट स्वॉर्ड तो मिली, स्वॉर्ड से मैं थोड़ा फास्ट खोद सकता हूँ यहाँ पे इसको यार। एंड बाय द वे बहुत सारी ऐसी चीजें भी है गाइस जिसका मैं ना एक्चुअली में इस्तेमाल कर सकता, जैसे ये कर दिया, आईए फेंडर मिला बिल्कुल, नाइस वन डूड। ओके इसको फेंक एक बारी नीचे, ओके यहाँ पर एक और बेड है इसको, अरे रिस्पॉन पॉइंट सेट कर दिया यार, पागल है क्या भाई, तोड़ इसको यहाँ पे। इनफैक्ट लेट्स डू दिस गाइस, आई थिंक वी शुड डू दिस है ना, मुझे एक्चुअल लकड़ी मिली, लेट्स गो फाइनली 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 मेरे को लकड़ी मिली, कहाँ पर है मेरे हाथ पे नहीं आ रही यार। हाँ लेट्स गो गाइस, अब मैं यहाँ पे फाइनली अपने लिए क्राफ्टिंग टेबल बना सकता हूँ, बट मैं इस क्राफ्टिंग टेबल को मूव नहीं कर सकता, बस ये दिक्कत है यहाँ पे है ना। और मैं रैंडम चीजों को भी एक और लकड़ी मिली मेरे को, ओ माई गॉड मेरे पास पूरे के पूरे 8 और 4 12 12 के 12 आ चुका है। अरे भाई बढ़िया हो गया ये तो, दिस इज गुड एक्चुअली गाइस। अब जो ये मुझे बेड मिला है इस पर राइट क्लिक कर लेता हूँ ताकि मैं अपना रिस्पॉन पॉइंट यहीं पे सेट कर लूँ यार है ना। चलो अरे 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 भाई रिस्पॉन पॉइंट सेट क्या किया तो साला बीच तेरी ऐसी की तजबक बागे ऐसे तेरी पकौड़े बक, एक शॉट मारा और बंदा खत्म ही हो गया भाई, वाह वाह ये हुई ना बात। अब मैं ना एक ही चीज को बार बार तोड़ तोड़ के भी देख सकता हूँ यार, वैसे तो भाई कुछ भी काम का नहीं मिलता यार। ये क्या है What the hell is this ब्रो, ये जो भी चीज है आई वॉन्ट टू सी, गोल्डन सुपर गोल्डन एप्पल सो डिलीशियस, वेट अ सेकंड गाइस मैं खा के देखो इसको, What
एप्पल इज ऑन कूल डाउन फॉर 10 seconds, मतलब मुझे एब्जॉर्प्शन स्पीड 6, रेजिस्टेंस 6, जंप पुश 6, ओके मैं बहुत ऊंचा उछल सकता हूँ, लेट्स गो, ओ माय गॉड, और मैं इसको इनफाइनाइट टाइम तक इस्तेमाल भी कर सकता हूँ। ओके गाइस, ये जो पावर है ये बहुत ही ज्यादा नेक्स्ट लेवल पावर है। नाउ आई कैन फील कि होगा लाला वगैरह को कैसा हमारे माइनक्राफ्ट के वर्ल्ड के अंदर फील होता है एक्चुअल, वो ऐसे ही उड़ के जा रहा होता साला। ओ माय गॉड, दिस इज गुड यार, दिस इज गुड। ओके फाइनली गाइस, अपना इफेक्ट तो क्लियर हुआ ही वाला, एंड अभी मुझे और रैंडम आइटम्स चाहिए भाई। पर यार ये जो साउंड इफेक्ट है बहुत ही बेकार है यार, कसम से ये मेरे को हार्ट अटैक दे सकता। अरे दो नहीं चाहिए मेरे भाई, चल निकल, ऐसे एक काफी था मेरे लिए बस। चलो गाइस, देखो तुम लोग इतनी अमीरियत है कि भाई ये सुपर गोल्डन एप्पल जिसको मैं इनफाइनाइट टाइम इस्तेमाल कर सकता, मैंने ऐसे ही। ओ लेट्स गो, वाटर बकेट ब्रो, आई जस्ट वांट टू सी वन थिंग, अगर मैं इसको नीचे गिराऊंगा वापस उठा सकता हूँ तो यस, ये वाटर बन के ही वापस आता है, दिस इज एक्चुअली गुड। ओके गाइस, एक और लकड़ी मिली मुझे फाइनली मेरे को गाइस एक और लकड़ी मिली, 12 16 लकड़ियां हो चुकी है फाइनली। मैं अपने लिए अब 4 बार अलग अलग टाइम पे क्राफ्टिंग टेबल्स बना सकता हूँ, लेट्स गो। ओ ओ ओ गाइस, ये क्या मजाक है भाई, हेलो, इतनी बड़ी पिकैक्स, और वेट, पिकैक्स नहीं, सामने एक और चीज है। ओके लेट मी चेक दिस गाइस, ओके फर्स्ट ऑफ ऑल पहले मेरे को ना पहले स्मिथिंग टैबलेट हटाओ भाई, तू भी हट जा। एंड यहाँ पे टाइनी स्टोन एक्स भी आई हुई है, ठीक है, मून स्टोन फॉल्स फ्रॉम स्काई, इसको मैं बाद में चेक करूंगा गाइस, बट फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट टू सी, ओ माई गॉड, जाइंट नेदरराइट पिकैक्स, ए ये क्या हुआ, जहां जहां मैं देख रहा हूँ मेरे आसपास के सारे पेड़ गायब हो गए। वेट, मेरे को पहले एक काम करने, मेरे को गाइस मैं इस ब्लेज रॉड को फेंक रहा हूँ, ये एमेथिस्ट स्वॉर्ड इसको बाद में इस्तेमाल करूंगा, ठीक है ना गाइस, ठीक है, इसका इस्तेमाल बाद में करेंगे, बट ये हो क्या रहा है, मेरे आसपास के पेड़ तो मेरे को देखे सारे गायब हो गए। गाइस आई वॉन्ट टू सी दिस, ओके जाइंट पिकैक्स करती क्या है, आई डोंट नो, यहाँ पे लिखा था व्हेन इन मेन हैंड बस 10 का अटैक डैमेज देती, बट ये कर क्या रही है, सारे पेड़ गायब कर ले, रुको गाइस मैं एक बार करता हूँ इसको ट्राई, अब मैं जैसे इसको हाथ पर उठाऊंगा तो क्या हुआ, कुछ भी तो नहीं हुआ, ओ मेरे सारे पेड़ आसपास के गायब कर रहा है ये, ब्रो व्हाट द हेल इज दिस यार, ओ माय गॉड, देखा तुम लोगों ने कैसे भी क्या हुआ ब्रो, बाय द वे अगर देखा जाए तो भाई इस पिकैक्स का काम ही नहीं है कुछ भी, ये तो मेरा सारा का सारा जो रिसोर्स है जिससे मेरे को कमाई करनी है वो तो खत्म कर रहा है ये, है ना। टाइनी स्टोन पिकैक्स क्या करते हैं, मून स्टोन फॉल्स फ्रॉम स्काई, ओके इसका मतलब क्या होता है, किया मेरे को ये क्या है? पता नहीं क्या चीज थी भाई ये जो, ओ माय गॉड, उसने भाई पूरा का पूरा छेद कर दिया नीचे तक, व्हाट सीरियसली डूड, एक सेकंड रुको, अच्छा मैं यहाँ पे वो नहीं किया, मैंने कुछ भी गड़बड़ हो सकती थी, मैं नीचे अटक भी सकता रहा हमेशा के लिए, मुझे ऐसे कई जगह बाहर निकलना पड़ेगा, एंड आई वॉन्ट टू सी एक बार और, तोड़ इसको क्या हो रहा है ये कुछ तो, अबे साले मूनस्टोन है ये तो एक नॉर्मल सा वो है, क्या बोलेंगे इसको, आर्मर स्टैंड था, और यहाँ पे एक आए, लेट्स गो गाइस, लेट्स गो, तुम्हारे भाई को यहाँ पर एक, ओ मुझे यहाँ, ये क्या चीज है, लाइब्रेरी है भाई ये तो, ओके लेट मी डू वन थिंग गाइस, ओके इसको फेंक दे नीचे, लाइब्रेरी स्ट्रक्चर, ओके डूड्स मेरे को सो के आना पड़ेगा एक बार गाइस, मैं सो कर आता हूँ और फिर इस लाइब्रेरी स्ट्रक्चर का भी तुम्हारा भाई इस्तेमाल करेगा, क्या चीज है ये मेरे को देखना एक बारी। ओके गाइस तो लाइब्रेरी स्ट्रक्चर को मैं एक बारी इधर स्पॉन करूंगा तो क्या होगा, ओके ये चीज लेकिन यहाँ पर है क्यों है, लाइक स्ट्रक्चर से होगा क्या, आई डोंट नो गाइस, बट यहाँ पर इतना सारा ये बैम्बू वाला सीन है कि इसके अंदर से बहुत सारे नई नई चीजें ला सकते, ओके एक और चीज मिली, व्हाट द हेल इज दिस नाउ, ओके इस आंख के अंदर से बहुत सारी चीजें निकल रही है गाइस, आई वॉन्ट टू सी दिस नाउ, ओके ये क्या है, आई ऑफ गॉड, राइट क्लिक स्पॉन रैंडम स्ट्रक्चर्स, ओके आई विल, मैं इसको टेस्ट गाइस बाद में करने वाला हूँ, ठीक है ना, पहले लेट्स सी कि और क्या क्या सामान हमें यहाँ पर मिल सकता है, माई गॉड ऐसे गड्ढे के ऊपर मैंने बनाया ना इसको, कसम से मैं गधा हूँ एक नंबर का, सच्ची बता रहा हूँ तुम लोगों को भाई साहब, ये एक्चुअल में गाइस लाइब्रेरी बढ़िया है, यहाँ पे इतना लकड़े का सामान है कि आप, ओ नीचे कुछ गिर गया, मैं जा रहा भाई तेरे लिए जो भी चीज नीचे गिरी है मैं तेरे लिए आ रहा हूँ नीचे, तू टेंशन बिल्कुल ना ले, ये क्या चीज है गाइस मेरे को देखना एक बारी, ये कैमल स्वॉर्ड, अब ये साला कैमल स्वॉर्ड क्या चीज है भाई, इसके मुंह के ऊपर ऊंट बना हुआ ओह माय गॉड, इसके मुंह के ऊपर ऊंट बना हुआ, दिस इज सो फनी यार, ओके आई डोंट नो कि क्या करती है, इसका पता चलेगा ऊपर जाके, मैं तैर के ऊपर जाने वाला एक बारी, इसको बाद में देखेंगे गाइस, उससे पहले चलो थोड़े बहुत और रैंडम चीजें निकालते हैं, प्लीज तू कोई कस्टम चीज, मेरे को बहुत मजा आ रहा है एक्चुअली गाइस, आई डोंट नो कि तुम लोगों को कितना मजा आ रहा है,
और मेरे को बहुत मजा आ रहा, कुछ तो मुझे और मिला है गाइस। व्हाट, ये क्या चीज है? आई थिंक ये कोई रैंडम चीज मिली मेरे को। व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस? आ, मैं लकड़ी फेंक दी गलती से। लकड़ी नहीं फेंकने की भाई, लकड़ी नहीं फेंकने का स्मार्टी भैया, बाकी सब चलेगा। पिचर प्लांट, ओके कुछ तो पिचर प्लांट मिला गाइस। इसको मैं एक बार टेस्ट करने वाला हूं, क्या प्लांट है ये? आई डोंट नो गाइस, कि पिचर प्लांट लाइक माइनक्राफ्ट का ही फीचर है या तो फिर ये कुछ अलग ही सीन। हेलो, व्हाट डू यू डू, व्हाट डू यू डू, व्हाट इज योर वर्क ब्रो? इसका काम क्या है इसका? अरे यार चेंज हो गया, हट यार। इसका मतलब है गाइस कि ये कोई नॉर्मल सी माइनक्राफ्ट की ही चीज थी, तो हमें रैंडम वो क्या मिला अभी, लाइक नया वाला है ना वो साउंड इफेक्ट आया था वहां पे। आई डोंट नो गाइस, कुछ भी नहीं मिला भाई। खैर इधर छोड़ो गाइस, बाहर से चलो और इस सबको तोड़ना स्टार्ट करो। आ जाओ, इतना ज्यादा मुझे तो गाइस एक बहुत बढ़िया चीज मिली फिलहाल को, एक पूरा का पूरा नेदरराइट की एक चेस्ट प्लेट मिली है। इसको मैं यहाँ पे लगाऊंगा, एंड बाय द वे मुझे और लकड़ी मिली यहाँ पर। यस, लकड़ी को भी मैं यहाँ पे करूंगा, लेट्स गो। ओह व्हाट, आई एम स्टंड बाय द वे इस चीज को देख के। ओको, ये फेंकेंगे, ये फेंकेंगे, ये फेंकेंगे। लकड़ी मिली है मेरे को गाइस, तो इस लकड़ी को रखेंगे। ओके, ये फेंकेंगे, ये फेंकेंगे। ओ माय गॉड, ये क्या चीज है भाई? स्वॉर्ड, 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 स्टन नियर बाय मॉब्स। ओके, बहुत ही काम की चीज लग रही है गाइस। एंड टाइनी स्टोन एक्स, नहीं ये तो मेरे पास पहले का पड़ा है, इसको फेंक दो। ओ डायमंड टेम्पल, डायमंड टेम्पल है ये। आई मीन मुझे दिख रहा था ऑफकोर्स, बट आई वॉन्ट टू सी। ओके, थोड़ा दूर चल, थोड़ा दूर चल, थोड़ा दूर चल, थोड़ा दूर चल भाई, तू फटाफट चल दूर, यहाँ पे इसको स्पॉन करेंगे। ओ माई गॉड गाइस, बाय द वे तुम्हारे भाई के पास अब यहाँ पे सब कुछ है। तुम्हारा भाई यहाँ पर अब ये बनाएगा। एंड वेर आर द लकड़ियां? लकड़ियां ही नहीं है भाई मेरे पास। वाह यार कितनी मस्त चीज है ना। इस लकड़ी को यहाँ पे रखेंगे, इसको ये करेंगे, तो यहाँ पर हमारी डायमंड की एक पिकैक्स बन जाएगी। लेट्स गो, अब मैं इसको तोड़ूंगा तो कुछ रैंडम ही चीज मिल जाएगी मेरे को। अच्छी है भाई, अच्छी। ए रुको रुको रुको, अगर मैं पिगी दादा को पेलता हूँ तो क्या होता है? और इससे भी रैंडम चीजें मिलती है मेरे को एक्चुअल में। चलो गाइस, अब फाइनली मैं यहाँ पे अपने लिए डायमंड तो निकाल। पागल हूँ मैं एक नंबर का, मैं खुश हो गया था यार, मैं भूल गया मैं डायमंड भी तो रैंडमाइज हो जाएगा, डायमंड भी तो रैंडमाइज हो जाएगा ब्रो। ये फिर से आई थिंक वही मिला मेरे को जितना मेरे को लगता है। यस, ये वही आई ऑफ गॉड मिले फिर से। चल तू निकल बेटा, ऐसे तेरा कोई काम नहीं। चलो गाइस एक बार अंदर चलते हैं। अब डायमंड का पूरा स्ट्रक्चर मिला तो अंदर कुछ तो होगा ना। और लेट मी, ओह प्लीज प्रेशर प्लेट एक्टिवेट। ओह नीचे कुछ है ही नहीं है, नीचे कुछ है ही नहीं है। लेट्स गो, अब देख। ओ यहाँ से मिलेगा हमको डायमंड ही डायमंड, वाई लेट्स गो। चलो गाइस एक काम करते हैं ना, ये ले लिया मैंने फायर स्वॉर्ड, इसमें लावा टच। ओके, अपनी नॉर्मल सी स्वॉर्ड को मैं ऊपर रख देता हूँ, कोई काम की नहीं है वो, क्योंकि अब मेरे एंड यहाँ से मैं बहुत सारा ये भी निकालता हूँ, यहाँ से मैं बहुत सारा ये भी निकाल। ओ डायमंड प्लस स्वॉर्ड, इसको भी तू नीचे निकाल भाई। और जो मून स्टोन है भाई, इसका कोई काम नहीं टू बी ऑनेस्ट। ओ माई गॉड एंडराइट, सॉरी बहुत ज्यादा ओपी है, बट इसका कोई काम नहीं आई थिंक। और मे बी इसका काम है और उस पहले वाले का काम नहीं है भाई। इतना डायमंड देख के ना मेरा दिमाग खराब हो रहा है, मेरे को नहीं लेना भाई बाकी का। यस गाइस, तुम लोगों ने सही सुना है, उतना ही मेरे लिए काफी। और यहाँ से बाहर निकलते हैं अब। चलो चलो गाइस, अब यार डायमंड वाले टेंपल के अंदर आया हूं, तो क्यों ना मैं इनको खोद के रैंडम चीजें यहाँ भी निकाल दूं, थोड़ी बहुत है ना। अरे भाई डरा दिया यार, ये मेरे पास ऑलरेडी है एक पड़ी हुई, ये दूसरी तो मेरे को चाहिए नहीं है भाई, ठीक है ना यार। ओह माय गॉड, अब ये क्या चीज है भाई, ये तो कुछ अलग ही है ब्रो, ये तो कुछ अलग ही है। सारी पिकेक्स, पिकेक्स 3S का नाम। ओके गाइस, इसको तो मैं थोड़ी देर के बाद यूज करूं भाई, सब बहुत कुछ है मेरे पास, इतना सारा काम पेंडिंग हो गया ऐसा लग रहा है कसम से यार। एंड बाय द वे गाइस, मुझे एक चेस्ट मिली है, तो चेस्ट मिलना भी बहुत जरूरी है। चेस्ट को मैं ना अपने हाथ में उठा दूंगा अभी, यहाँ पे बस कुछ सामान फेंक दो यार। चेस्ट हाथ में होगी ना गाइस, तो मैं एटलीस्ट अपना सामान वगैरह ना स्टोर करके रख सकता हूँ। इस वक्त सामान स्टोर करना भी मेरे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाय द वे गाइस, अभी तुम लोगों को पता नहीं है, मैंने गलती से यहाँ पे एक चिकन को स्टन किया, उसको मारा, और अंदर से क्या निकली है, एक टाइनी स्वॉर्ड, अ ब्लैक होल। वेट भाई, कुछ तो कांड करेगी, मेरे को दूर जाना पड़ेगा। बस इसको यूज कर, इसको यूज कर, अबे यूज कर और कुछ तो होगा। क्या हुआ, ब्लैक होल का मतलब क्या होता है? समथिंग रॉन्ग विल हैपन, आई नो समथिंग रॉन्ग विल हैपन, समथिंग रॉन्ग विल हैपन। ओके, यहाँ पर एक पिकैक्स आई है, पर ब्लैक होल क्या है? What the hell is a black hole? सालो ब्लैक होल कहाँ पे आया? हेलो, I don't know कहाँ पर है, बट यहाँ पर एक giant pickaxe आई है गाइस मेरे पास, वो अलग बात है। I don't know गाइस किस giant netherite की pickaxe का मैं क्या काम करूंगा यार, ये कुछ तोड़ मरोड़ तो नहीं देगी ना यहाँ पे भाई, मेरे को तो डर ही लग रहा है। स्टनिंग निकाल, स्टनिंग निकाल, स्टन कर, स्टन कर, सबको स्टन कर दूंगा, सबको स्टन कर दूंगा भाई। ओके, ये सब फ्रीज हो चुके हैं,
सब फ्रीज कर दूंगा, सब फ्रीज कर दूंगा। माय गॉड, मुझे मारोगे तुम्हारी ऐसी की तैसी, फिर सबको मारूंगा अभी साथ साथ में, एक एक फटका मारूंगा साले पकौड़े ऐसी की तैसी। भाग, तू भी भाग यहां से। ओह माय गॉड, मैं डर गया था। ओके गाइस, एमेथिस्ट स्वॉर्ड का इस्तेमाल करने का टाइम अभी आ चुका। ओह, ये एमेथिस्ट में कन्वर्ट हो गया था, ये बंदा एक्चुअल में एमेथिस्ट में कन्वर्ट हो गया था। ओके गाइस, यहां पर एक जायंट हमारी स्वॉर्ड भी आई है, तो मैं इसका भी उठाना चाहूंगा एक बारी जरा। माय गॉड, इतनी जायंट है सारी की सारी कि मेरे को तो इतना बड़ा, ये कहां से आया भाई? इस जायंट स्वॉर्ड का इस्तेमाल करके होता क्या है फिलहाल को तो आई डोंट नो ब्रो। फिर हाथ में देखो क्या है ये भाई, कुछ भी है भाई ये। सीरियसली बता रहा हूँ मैं तुम लोगों को, और ये साला इतना बड़ा बैट कहां से आया मेरे को तो समझ नहीं आ रहा यार। ओके, मैं यहाँ पे तैर के बाहर निकलता एक बारी। आजा आजा, क्या होगा? जायंट स्वॉर्ड का मतलब है ये आसपास की सारी चीजों को मार देगी। ओके गाइस, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ ये बहुत अनोइंग है, इसको हटाओ यहाँ से, ठीक है? और ये पिकेक्स किसी काम के नहीं, साला पूरा का पूरा इतना बड़ा गड्ढा माइनिंग कर दिया यार, मेरी ऐसी की तैसी हो गई, तभी मैं डर गया था यार। टू बी ऑनेस्ट गाइस, हाँ मैं इसका इस्तेमाल जरूर करूंगा बेटा, तेरे को मैं करूंगा पहले स्टन हो जाए तेरी पकौड़े, और तेरे को मैं मारूंगा एमेथिस्ट स्वॉर्ड से, तो तू एमेथिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा साथ में और फिर मरेगा। ओके, ये चीज गाइस मैं टेस्ट करना चाहता हूँ, एमेथिस्ट में इसको कन्वर्ट करना चाहता हूँ मैं क्रीपर को। ओके ना, क्या होगा? ओह यार ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा चीज है भाई, ये बहुत अच्छी चीज है भाई, लेट्स गो। ये मुझे कैसे ब्लैक होल वाला समझ नहीं आया, बाय द वे मेरी इन्वेंटरी में अभी तुम लोगों को दिख नहीं रहा है, बट ये बहुत ही स्मॉल सी स्वॉर्ड है, इससे क्या होता है? आई डोंट नो, क्या हुआ इससे? ब्लैक होल का मतलब क्या होगा भाई? What type of a black hole are you guys saying? कि लाइक यहाँ पर आएगा राइट क्लिक अ ब्लैक होल। ओ, और ये पूरा नीचे तक ब्लैक होल बन जाएगा, इसका मतलब तुम लोग समझे गाइस, इसका मतलब क्या होता? What? I thought कि मेरे पीछे कोई बंदा पड़ेगा, जैसे मेरे को कोई मारने पड़ा है तो मैं राइट क्लिक कर दूंगा और ये यहाँ पर ऐसा हो जाएगा, बट ये ब्लैक होल है, बीच चली गई, इसके अंदर मर रही है वो। होली शिट, व्हाट द हेल इज दिस? ओ, चिकन भी जा रहा है इसके अंदर उड़ के। ओ, आसपास की सारी चीजें अट्रैक्ट हो जाएगी इसकी तरफ। ओके गाइस, ये लोग यहाँ पे, इसको देखो इसको देखो इसको देखो ब्लैक। ओ माय गॉड ब्रो, व्हाट? ओ माय, आई एम सो स्टन्ड राइट नाउ, क्या देखने के लिए मैं समर गया। मर गया, चिकन ही मर गया, ये भगवान। खैर छोड़ो गाइस, छोड़ो 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 भाई, ये बहुत ओपी चीज है, ये बहुत ओपी चीज है। अब यहाँ पे एक चीज और है, आई ऑफ गॉड, इससे क्या होता है? ओ, रैंडम स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं। ओके, इसने यहाँ पर एक गाइस मेरे लिए ये बनाया पहले, और जो दूसरी चीज है वो ये बनाई है इसके सामने, और ये सारे के सारे उड़ के इसके होली शिट डूड। ओके, अगर मैं इसके अंदर जाऊंगा शायद मैं भी मर जाऊंगा। Should I, मैं ये रिस्क तो नहीं ले सकता यार, ले लूं क्या इस रिस्क को मैं एक बार? हैं, पता नहीं भाई क्या सीन है, रहने दो। सब के सब मॉब्स इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, ये ब्लैक होल इतना तगड़ी चीज है ब्रो, आई एम टेलिंग यू, ये बहुत ही ज्यादा ओपी चीज है भाई, जो भी मैं खेल रहा हूँ ना ये चीज, ये बहुत ओपी चीज है। ओके, एक और गाइस, आई ऑफ एंडर मैं यूज करूंगा, कुछ और होगा यहाँ पे स्पॉन या नहीं होगा? ओके, आई थिंक वहां पे गाइस माइंड शाफ्ट अंदर स्पॉन हो चुकी है एक। ये क्या चक्रासन है भाई? What the hell? Okay, ये कुछ अलग सी चीज मिल गई गाइस मेरे को यहाँ पे, मैं इसको एक बार उठाना चाहूंगा। ये क्या है? Oh my God, shoot 100 tridents at once? Okay, एक बार फेंके जरा। Oh! Oh! Holy shit, dude! Bro, मरियो मत, खुद मत मरियो स्मार्टी ब्रो, what are you doing यार? खुद को नहीं मारना है। Oh my God, ये भाई ये बहुत सही चीज है। Let's go boys and girls, let's go। ये बहुत अच्छा है, ये बहुत ज्यादा अच्छा है by the way। Okay, इसका इस्तेमाल फिलहाल को करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये मेरे को यहाँ पे बहुत ज्यादा कान की धज्जियां उड़ा देगा मेरी। फाइनली हम लोग इसको एंडर ड्रैगन के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं शायद से। Holy shit, भाई यार ये मुझको हार्ट अटैक दे देगा यार। ये क्या चीज है, इतना बड़ा जायंट एप्पल है? मुझको हार्ट अटैक आ जाएगा ब्रो, नॉट इवन जोकिंग। एक तो सारी चीजें रैंडम है, ऊपर से इतनी डेंजर है कई चीजें, क्या बोलूं मैं तुम लोगों को यार। ये क्या हुआ? अरे मैंने गलती से उस एप्पल को खा लिया, मुझे कुछ मिनट्स के लिए यहाँ पे तगड़ी तगड़ी चीजें मिल चुकी है, मैंने वो गलती से एप्पल खा लिया तगड़े वाला। ओके, मुझे अगर स्पीड मिली है तो शायद से मैं स्पीड से, हाँ
साला जो चीज मिलनी चाहिए थी हेस्ट मिलता तो मैं फास्ट फास्ट पे ब्लॉक्स तोड़ पाता कम से कम, वो नहीं मिला, बाकी सारे फालतू के इफेक्ट्स मिल गए। पर वो एप्पल कितना सारा झिंड था यार भाई, डर ही लग गया एक सेकंड के लिए तो। इयू इयू छी, ये वाला ट्रेंड दिया तुमने मेरे को यहाँ पे रैंडम, उसमें भाई ट्राइडेंट का बाप है मेरे पास यहाँ पर पड़ा हुआ कसम से। हाँ ये वाली पिकक्स का इस्तेमाल मैंने फिलहाल को किया नहीं, आई डोंट थिंक सो गाइस, करना भी चाहिए, शायद से गड्ढा तो नहीं कर देती है, वही वाली पिकक्स तो नहीं है नहीं। आ ये वही थी यार, ओके ओके समथिंग इज रॉन्ग, मेरा वर्ल्ड बहुत ज्यादा क्रैश हो रहा है एंड बहुत सारी नई नई चीजें यहाँ पर मिल चुके मुझे लग गया पता। प्लीज 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 इट्स इनफ, इट्स इनफ ब्रो, इट्स इनफ, काफी है काफी है, मुझे नहीं चाहिए और चीजें। थैंक यू नो थैंक यू गाइस, यहाँ पर इतना ज्यादा सामान इस वक्त नीचे गिरा हुआ है, सब कुछ लैग हो रहा है। एक्चुअली में जो बाकी की चीजें थी वो सारे के सारे ब्लॉक्स को माइन करके गायब कर लेती थी, बट इस पिकैक्स ने एक्चुअल में सारी चीजें माइन करी, सबको ड्रॉप भी दे दिया है समझे तुम लोग, और सब ड्रॉप हो तो सब कुछ रैंडम यहाँ पे गिरा, मेरे को एफएस ही नहीं मिल रहा है भाई, क्या हो रहा है। ओ ये क्या, एक चक्र मिला मेरे को यहाँ पे, एक अजीब सा चक्र मिला मेरे को यहाँ पे गाइस। ओके मैं गाइस बहुत सारी नई नई चीजें यहाँ से उठा के लेकर आता हूँ एंड देन मैं तुम लोगों से मिलता हूँ उसके बाद। ऑल राइट गाइस, तो मैं नीचे से बाहर आ गया, बड़ी मुश्किल था गाइस, मुझे बहुत सारी चीजें मिली है ठीक है ना। पहली चीज तो मुझे ये 100 ब्लेड मिली, आई थिंक ये शील्ड है जो जिसका मैं इस्तेमाल करूंगा, तो शायद जो बंदा मेरे को मारने आएगा उसको उल्टा डैमेज पड़ने वाला है, ये मुझे काफी अच्छी लगी है। बट देखो मैं चेक करूंगा लाइव मॉब्स पे काम करेगी ना, इन पे नहीं करेगी आंटी, अनलेस मुझे मारने आएंगे तब तक ये काम नहीं। ओ फायर स्वॉर्ड का मतलब ये है, इस पे डायरेक्ट लावा लग जाएगा, ओके डूड्स। इसके अलावा गाइस मुझे एक स्निफर टेम्पर मिला और एक कैमल बॉम्ब मिला, ये क्या है भाई कैमल बॉम्ब है, ओ, 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 बड़ी डेंजर चीज है भाई ये तो, आउ होली शिट डूड, इसने भी बहुत सारे ब्लॉक ड्रॉप्स कराए यहाँ पे बाय द वे, ओ माय गॉड अच्छी चीज है भाई ये तो। बाकी मैं ये देखना चाहता हूँ स्निफर टेम्पल क्या, स्निफर का स्निफ करना तो मतलब ऐसे सूंघना होता है, ईव ओ माय भाई ये तो कुछ ब्रांड न्यू चीज है, ये तो ब्रांड न्यू चीज है, ये क्या चीज होती है, आ ये क्या है ओ ये शायद से वो है जो 1.20 में डाले गए थे, नहीं मैंने पहली बार देखा जिंदगी में ये, ओ माय गॉड ये सूंघ रहा है, ये मुझे सूंघ रहा है, टूट भी रहा, चल यहाँ से नीचे एक बार, हाँ देखते, ओ स्निफर एग्स भी है, रेड स्टोन के ब्लॉक्स है, चले लेके रख देते काम आ सकता है मेरे, और एंडरराइट की स्वॉर्ड, क्या तगड़े वाली स्वॉर्ड थी, बट जरूरत नहीं तुम्हारे भाई को अलग बात है। इसके अलावा और क्या क्या यहाँ पे, ओ माय गॉड 64 और है, ओके यार इतने की तो जरूरत नहीं थी टू बी ऑनेस्ट, चलो ऐसा कहीं बाहर निकलते हैं। ब्रो इतनी रैंडम चीज है बट इतनी अमेजिंग चीज है ना भाई, मैं मजाक नहीं कर, देख रहे तुम लोग यहाँ पे साले एक्सपी अभी तक मेरा पीछा कर रहा है गड्ढा करके, भाई मैंने गलती करी एक्चुअली में गाइस, बहुत बड़ी गलती। अभी मैं एक काम कर लूँ क्या गाइस, हैं अपने लिए एटलीस्ट ये तो बना देता हूँ मैं, यार मैंने ये नहीं बनाया अभी तक अपने लिए, इसको आर्मर बोलते हैं बाय द वे है ना, मैंने आर्मर बनाया नहीं अपने लिए, चलो मैंने आर्मर पूरा का पूरा गाइस पहन लिया है ना, हम लोग यहाँ से आगे बढ़ने वाले हैं अपने अगले पड़ाव की तरफ। आई थिंक मेरे को अब यहाँ पे वो चाहिए, अरे भाई ये क्या है, टूट जाना है यार, दिमाग की नहीं हो रही मेरी भाई, मेरे को लगता नहीं है गाइस के भी टूटने वाला। चलो गाइस अभी हम लोगों को अगला जो स्ट्रक्चर चाहिए वो तुम लोगों को पता है, ओ यहाँ पे इसने पूरा का पूरा माइनकार्ट वाला सिस्टम बना दिया भाई, आओ एंड सिटी, ओ अरे भाई माइन ब्रो पूरी पूरी माइनशाफ्ट क्रिएट कर दिए इसने यहाँ पे, ओ माय गॉड दिस इज गुड एक्चुअली गाइस, ओ माय गॉड जमीन के ऊपर पूरी पूरी माइनशाफ्ट है, और साला इसको तो मैं सबसे पहले तोड़ूंगा यहाँ पे, ऐसे की तैसी मकड़ो भाग भाग यहाँ से, ब्रो आई एम इनसाइड, निकल यहाँ से भाई तू, अभी मेरे को इन लोगों से पंगे, आजा 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 ना आना
अच्छा ये आ रहा है बट ये मेरे को मार नहीं पा रहा एक्चुअल में, क्योंकि बहुत लैग हो रहा है इसीलिए। चलो कोई नहीं गाइस, यहाँ से बाहर निकलते चुपचाप से। ओके भाई साला पूरा बुरक मैंशन समन हो चुका है, यहाँ पे आ नहीं रहा है यहाँ। ओ एक विलेज आ गया। ओके विलेज की जरूरत तो बिल्कुल भी नहीं है मेरे को फिलहाल के लिए गाइस, इतने अमीर तो हम लोग है, सब कुछ हमारे पास आ चुका है बस। अब ओ बोन स्ट्रक्चर आया यहाँ पर नेदर वाला। ओके इतने भी रैंडम नहीं चाहिए यार, विलेजर का आउटपोस्ट तक आ गया यार यहाँ पे। ओ बीच में एक बार गाइस राइट क्लिक किया था तो वो ना क्या बोलते कुछ शो नहीं हुआ आई थिंक। यहाँ पे ऑलरेडी नीचे जमीन के नीचे वो आ चुका है अपना एंड पोर्टल। लेट्स गो, मैं नीचे नीचे खोद के जाने वाला गाइस एक बार। ओके लेट्स गो डाउन एक बार। अरे अब आया स्ट्रॉन्ग होल्ड जस्ट स्पॉन्ड अंडर यू। चलो चल चल अब चलेंगे गाइस हम लोग नीचे, ठीक है ना। अगर ये टूट जाएगा भाई टाइम पे तो होगा, तीन बार मुझे एक ब्लॉक को तोड़ना पड़ रहा है यार तब जाकर टूट रहा है, गेम में लैग हो रही है। अगले साल तक पहुंचूंगा इस तरीके से तो मैं यार, है ना। देखो यार कितना अनोइंग है ये। Let's go boys and girls, we are here. और अभी direct, चलो भाई सब कुछ तोड़ ताड़ के नीचे चलो। और इसी के साथ हम लोग ना अंदर, अरे what? ऐसी किस्मत मेरी, इतनी अच्छी किस्मत मेरी कब से। तू निकल यहाँ से पकौड़े, तेरा कोई काम नहीं है ठीक है ना। मेरा बिल्कुल भी दिमाग खराब मत करना अभी इस वक्त तो खास करके। मुझे रिस्पॉन पॉइंट सेट करने की जरूरत है। अबे जाना भाई जाना यार, यहाँ से जाना भाई यहाँ से। चलो गाइस डायरेक्ट छलांग मारी जाएगी अंदर के लिए, लेट्स गो। एंड वेयर इज आवर एंड बॉयज एंड भाई, मेरे हाथ में चक्रासन कैसा लग रहा है जीव सा यार कसम से। ओ माय गॉड। चलो मैं गाइस 64 जो है रेडस्टोन के ब्लॉक्स लेके आया, मैं जानबूझ के लेकर आया था बाय द वे, इसी चीज के लिए लेकर आया था मैं, ताकि मैं एंड में ब्रिजिंग वगैरह कर पाऊं आसानी के साथ, है ना। एक्सट्रीम बो के साथ गाइस तुम्हारा भाई सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देगा, सब कुछ तुम्हारा भाई डिस्ट्रॉय कर देगा, जितने भी हमारे ये है ना ये सब गए, देखते ही देखते खलास हो जाओगे तुम सारे के सारे। बाद में इस बो का इस्तेमाल ना मैं इसके ऊपर नहीं करूंगा, एंडर ड्रैगन के ऊपर, क्या पता है वन शॉट मर जाए यार, फिर मजा नहीं आएगा ना गाइस यार ऐसे। जिंदगी जीनी भी तो है यार, मुझे अपना रेंडर बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि गेम इसमें बहुत ज्यादा हैंग होती है, इसलिए मुझे कम करना पड़ा था। और भाई देखो फूटने की आवाज तक भी नहीं आ रही है क्योंकि मैंने ब्लॉक्स की आवाज बंद करी हुई है भाई, बेवकूफ हूं नहीं, मैंने एक्चुअली ब्लॉक की आवाज रखी हुई है गाइस यार। ऑल राइट बॉयज एंड गर्ल्स, तो एंडर ड्रैगन की हेल्थ थोड़ी गई है, मैं एक बार देखना चाहता हूं गाइस क्या मैं इस बो से इसको मार सकता हूं, क्योंकि एंडर ड्रैगन को हम लोग बो तो नहीं मार सकते, क्या इसको मार सकता हूं मैं। ओ मर गया, मरा वो वाला। अरे डायरेक्ट नहीं मार सकता, अगर साइड से बच गया तो बच गया इनको। ओ सारे के सारे ऑब्सीडियंस को चीर फाड़ के निकलता, ये वाला बो ना बहुत ही ज्यादा ओपी है गाइस। चलो आ जाओ अब एक काम करते हैं, इसको नीचे निकालता हूं स्टन करने वाले को। पिकैक्स का तो कोई काम नहीं, इसको मैं नीचे निकालने वाला भी गाइस, एंड कैमल वाले को मैं लिटरली नीचे निकालने वाला, ये सारी की सारी चीजों का काम है। एक चीज करते हैं, एक बार इसको मैं स्टन कर सकता हूं। स्टन होगा साले, अब मैं तेको देखूंगा। अब बोल कुछ बोलेगा, बकवास करेगा मेरे सामने, पकौड़ा कहीं का ऐसी की तैसी तेरी। एंड गाइस एंडर ड्रैगन बहुत ही ज्यादा स्लो चली हुई है अभी, क्योंकि इसको पता है इसकी मौत नजदीक है, बट मैं इसको तब भी मारूंगा, बट मेरे को ना लगे प्लीज। ओके गाइस बहुत ज्यादा लैग हो रहा है, आई थिंक मेरे को टाइम लगने वाला है यहाँ पे इसको मारने के लिए यार, बहुत टाइम लग रहा है। अगले साल तक यहाँ पर बिजलियां कड़कने वाली है कसम से गाइस। ये इतना सारा लैग हो रहा है कि मेरा दिमाग खराब हो रहा है, मैं इसको ऐसे ही मार दूंगा तेरी ऐसी की तैसी। मर आओ, नहीं ये मेरे को छोड़ रही है इसको, बात छोड़ रही है कोई बात नहीं है। ओके आई थिंक गाइस मैं इस सुपर बो के साथ इसको नहीं मार सकता हूँ, मैं इसको ट्राइडेंट के साथ मारने की ट्राई करूंगा, एक बार बस पॉच करके नीचे आ जाए, दैट्स इट, और कुछ नहीं है भाई। फिर तब तक के लिए मैं काम करता, जब तक नीचे आ रही है यहाँ पर मैं एक ये डायमंड का टेम्पल लगा देता हूँ ना यार। तुम लोग भी क्या याद रखोगे, एंडरमैन जाओ यार अंदर मजे करो तुम लोग यार, ठीक है। I'm waiting for this auntie ji to come down यार, आईने जी नीचे यार, कमाल है यार, देखो तो इसको शर्म नहीं आ रही बिल्कुल भी नहीं। लग जाना मजा आ जाएगा कसम से, मजा आ जाएगा अगर लग गया इसको तो। ये लग जा। ओ साइड से निकल गया नीचे, कोई बात नहीं, हार्ड लग ब्रो। ओके गाइस तो मैंने तीन डायरेक्शंस में इसके ऊपर छोड़ा हुआ, एक भी अगर इसको लग गया तो भाई मजा आ जाएगा यार। लग जा। She's not coming down. Guys, I have plan, नीचे नहीं आएगी ना, इसके डायरेक्शन में को देखना दे बारी, किस डायरेक्शन में जा रही, उस डायरेक्शन में जा रही है। I'm gonna go there myself, bro. Okay? और इसके सामने जाकर खड़ा हो जाऊंगा, मैं सामने जाकर खड़ा हो जाऊंगा इसके अभी मैं। Come on, smarty, you can do this, मेरे बेटे, आजा मेरी आंटी, आजा, मैं बताऊंगा तेरे को भाई, तू रुक जाना एक सेकंड, कहाँ जा रही है। ओके गाइस जी मेरा आखिरी मौका हो सकता है इसको मारने का, मैं फास्ट ब्रिजिंग करके नीचे बस गिरना नहीं चाहता, रिस्क नहीं चाहता बस मैं। आजा अच्छा ना, मेरे नजदीक तो एक बार नजदीक तो आ, एक बार नजदीक आके तो देखो किसी ने छुआ नहीं किया,
मैं छूंगा आपको, आप टेंशन मत लो। आजा मेरे नजदीक आने से डर रही है ना, डर लग रहा है तेरे को? तेरे को मैं अभी बताऊंगा, आजा मेरी आंटी। आई कैन डू दिस बॉय। ये बजेगा इसको? नहीं बजा, बजे ले प्लीज 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 प्लीज। क्या हुआ? What happened? I don't know what happened, bro. मरेगी कि नहीं मरेगी ये? मरेगी कि ये नहीं मरेगी? I don't know. मार तेरी ऐसी की तैसी। Everything is lagging out, bro. Okay, मैंने इसको बहुत मारा, इतना मारा कि कुछ तो इसके साथ हो रहा है। I don't know क्या हो रहा है, guys. तुम लोग देख सकते हो। क्या तन 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 कर रही है? एक पटाखा पड़ेगा इसको, अभी मरेगी पक्का है ना, बहुत कमजोर हो गया अभी है। अभी तू रुक मेरे नजदीक आ। नजदीक कहाँ जा रही है? कह रहे नीचे तो मैं तब भी नहीं गा। अरे भाई नीचे गिरा देते मुझे ऑलमोस्ट। अभी तो मैं नीचे तो मैं घिरूंगा ही नहीं आंटी, नीचे तो मैं घिरूंगा ही नहीं। तू गई। अरे भाई आधी होगी उसकी एचपी। होली शिट डूड। ओके लेट्स गो। ये मरने वाली है अभी। ओके इसकी डायरेक्शन ये है, मैं यहाँ से ऊपर जाऊंगा अभी, ठीक है ना? इतना तन 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 क्या कर रही है? मरेगी। अभी मरेगी गाइस, ये मरेगी। गारंटी है मेरी। अभी पक बग बग। इतना तंग किया इसने मेरे को। है पकौड़ी आंटी, मैं वापस आ रहा हूँ ऊपर, तू टेंशन मत ले, अभी मैं ऊपर आऊंगा वापस। अभी आई थिंक गई, ये मर गई है, अटक गई है वहां पर बुरे तरीके से। तेरे मैं पिछवाड़े पे भी मारूंगा, टेंशन मत ले, थोड़ा भी टेंशन मत ले तू। आखिरी सफर तुम्हारा, तुम्हें मुबारक हो मेरी अंडर ड्रैगनी, बिकॉज यू आर गोना डाई राइट नाउ। ओके यू कांट डू दिस। मुझे उड़ा तो नहीं सकते तू भाई। गाइस एक फटके की है भाई, एक फटके के मेरा दिमाग घूम रहा है तब से लेकर, मां कसम यार। I'm so annoyed, seriously. Let's go, मेरे guys, let's go. ये भर गई यार, ये बहुत annoying है। ये गेम इतनी lag हो रही है, तुम लोगों को बताइए। एंड वाले पार्ट में मैं जितना मैंने पूरी वीडियो रिकॉर्ड करी उतना ही टाइम मुझे एंड वाले पार्ट में लग गया यार। ये मर गई और अभी गाइस अगले साल तक मरने वाली है इसी तरीके से। तो गाइस या लाइक करो अगर तुम लोगों को पसंद आई वीडियो, सब्सक्राइब करो क्योंकि भाई मेरे बुरे हाल हो चुके हैं। आई थिंक गाइस 6 मिलियन आज ही हो जाए, हमारे हिट हो जाएंगे। गाइस प्लीज करवा दो यार आज के आज ही। या गाइस लव यू मैन। या आई थिंक ऑलरेडी हो चुके हैं, मैं हिमलैंड्स के अगले दिन डाल रहा हूं इस वीडियो को। तो या गाइस थैंक यू सो मच फॉर 6 मिलियन सब्सक्राइबर्स। अगर नहीं हुए हैं तो अभी सब्सक्राइब करो, 3-4 हजार बचे सिर्फ और सिर्फ यार। करो गाइस प्लीज। बाय बाय।